वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी को एक संदेश है, जितने भी धर्म मजहब हैं वो अपने धर्म और मजहब से जुड़ी हुई पुस्तकें अवश्य पढ़ते हैं। मेरी आपसे भी अपील है कि अपने घरों के अंदर अपने धार्मिक पुस्तकों को अवश्य रखें, उनको प्रतिदिन पढ़ें, उनका स्वाध्याय करें, अपने लोगों को पढ़ाएं। घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको सुनाएं, उनको भी धर्म लाभ अवश्य दें। बच्चे हैं तो उनमें संस्कार डालने के लिए ये पुस्तकें अवश्य पढ़ाएं। इन सब की उपलब्धता अब सनातन हाट पर है। सनातन हाट के लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाइए, इनको खरीदिए और पढ़िए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, आत्मबल मिलता है और स्वाभिमान भी प्रतीत होता है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से मंदिर जहां पर होते हैं वहां पर भंडारे दिए जाते हैं, जहां पर गुरुद्वारे होते हैं वहां पर लंगर दिया जाता है, लेकिन वहां उनके होते कोई भी भूखा नहीं सोता है। लेकिन जैसे ही मंदिरों की बात आई, वहां पर गुरुद्वारों ने भी ऐसे ही लंगर बांटे, ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ अजीत अंजुम पकड़ा गया। ये कोई पहली बात नहीं है कि अजीत अंजुम इस प्रकार के झूठ फैलाते हुए कोई पकड़ा गया हो, हजारों बार इस तरीके के झूठ बोल चुका है। लेकिन यह व्यक्ति इतना ज्यादा बेशरम है कि इस झूठ को कभी भी स्वीकार नहीं करता। इनसे भी ज्यादा बेशरम कुछ लोग हैं जिनको कभी शर्म नहीं आती। यह पोस्ट देखिए, भारतीय सरकार ने 6-6 मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिए ताकि वहां से भारतीय लोगों को बचाया जा सके। यूक्रेन भारतीय छात्रों के साथ में दोगला व्यवहार सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत रूस का अच्छा दोस्त है और वो उसको कुछ भी करने से नहीं रोक टोक रहा। लेकिन फिर भी भारत की सरकार लगातार लगी हुई है कि वहां से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। लेकिन ये व्यक्ति अपनी जो कहिए कि दिमाग के अंदर फंसी हुई दुश्मनी है या नफरत है, उसकी भड़ास वहां से निकलने के बावजूद भी इस प्रकार निकाल रहा है कि उसकी कोई सहायता नहीं की जा रही। इसी वजह से मैं इनको दीमक गद्दार और नमक हराम कौम के लोग कहता हूं। इस बात को भी छोड़ दीजिए, यदि पाकिस्तान के लोग इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने, सरकार ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कह दिया कि हम आपको नहीं बचा सकते, जैसे कैसे करके आप यूक्रेन से निकलिए, पाकिस्तान आ जाइए, तब खुद पाकिस्तान के छात्रों ने, वहां के लोगों ने यूक्रेन के और रूस के सैनिकों की गोलियों से बचने के लिए, उनके हमले से बचने के लिए तिरंगा हाथों में उठाया है, अपनी गाड़ियों पर लगाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरव्यूज में ये बातें सामने आ रही हैं। ये सारे के सारे वीडियोस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर हमेशा पोस्ट करता हूं और उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में भी देता हूं। आप जरा सोचिए कि भारत की ताकत जहां इस कदर बढ़ रही है कि हमारा दुश्मन देश भी तिरंगा हाथ में लेकर के चलने के लिए मजबूर हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कि भारत की डिप्लोमेसी इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर हो चुकी है, वहां फिर भी एक अब्दुल अपने झूठे प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आता है। इस वजह से मैं कहता हूं कि नमक हरामी इनके खून में है। इनको कितना भी आप कंप्यूटर और कुरान हाथ में पकड़ा दीजिए मोदी जी, ये अगर आपसे नफरत करते हैं तो बस करते हैं, किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। जो उनको कह दिया गया, जो उनको बता दिया गया, सिर्फ वो उसको सुनेंगे। आप वहां से इन लोगों को निकालिए, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि इनके पास में भारत का पासपोर्ट है, उस पर भारत की मोहर लगी है, ठप्पा लगा है। लेकिन इस बात का वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए जो आप हर बार कहते हैं कि 130 करोड़। ये 80-20 की ही लड़ाई है। योगी जी का मामला इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट है। वो आपका नारा भी यहीं तक बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कभी वो विश्वास की बात नहीं करते हैं। इस फंडे में योगी जी बेहद क्लियर हैं। वो अलग बात है कि लोग जो हैं उनके लिए वोट करने के लिए घरों से भले ही ना निकले। सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर मुझे आज चर्चा करनी है वो ये है कि जो चेचन्या देश है, जो रूस के द्वारा संचालित है, वहां पर मुसलमानों की जो तादाद है, जो आर्मी में भर्ती है, उनको मारने के लिए आज उस यूक्रेन ने
वीडियो जारी की और उसने कहा कि हम हर एक कारतूस के ऊपर सुअर की चर्बी लगा रहे हैं, तब हम अपनी बंदूकों में भर रहे हैं ताकि जो चेचन्या के मुसलमान सैनिक हैं उनको मारा जा सके और उनको जन्नत ना मिल पाए और उनकी बेइज्जती हो सके, उनकी तौहीन हो सके। अब अब्दुल का दोबारा से ये पोस्ट पढ़िए जिसमें वो यूक्रेन के लिए थैंक बोल रहा है और भारत को गालियां दे रहा है। ये वही यूक्रेन है जो मुसलमानों को मारने से पहले कारतूसों को सुअर की चर्बी में भिगो रहा है। अब अब्दुल का क्या होगा? अब्दुल, तूने जो खेल खेला है वो तो उल्टा तेरी ही तशरीफ में घुस गया। जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है उसकी कौम के साथ में गद्दारी भला कौन नहीं कर सकता है। और यह भी चीज स्पष्ट होती है कि भारत को छोड़ करके पूरा विश्व इन लोगों का इलाज जान चुका है, ढूंढ चुका है, खोज चुका है। ये जो सुअर प्रजाति है इसके विषय में मैंने एक बार कहा था, एक मुसलमान ने मुझे सीधी डिबेट में कहा, यह साफ बात है हम गाय को इसलिए खाते हैं क्योंकि वो तुम पूजते हो या उसको तुम कुछ देवतुल्य मानते हो। तो मैंने कहा कि वो अवतार तो फिर भी नहीं है, गाय जो है वो एक पशु है, एक प्राणी है, उसका महत्व इतना ऊंचा है कि हम उसको उस रूप में मानते हैं लेकिन अवतार नहीं है। मैं एक अवतार बताता हूं, यदि उसको खाओगे तो हमारी भावनाएं ज्यादा आहत होंगी। और वहां पर मैंने वराह अवतार की कहानी उसको बताई और मैंने कहा कि वराह अवतार जो है उसके तो मंदिर भी हैं, उसकी पूजा भी होती है और उसके नाम पर तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पूरे पुराण है भाई, और दशावतार में तो उनका जिक्र बड़े ही सम्मान के साथ में आता है और विष्णु जी का अवतार है। तो हमारी भावनाओं को यदि आहत करना ही है, ढंग से करना है, तो प्लीज आप ये वाला इनिशिएटिव जरूर लें, अपनी जनता में ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि अंकुर आर्य की भावनाओं को आहत यदि करना है तो सीधे के सीधे वार अवतार पर ही करना है। तो इससे ये बात सुनते ही उसकी भावनाएं आहत हो गई थी। भारतवर्ष में भी आज मुसलमान यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको सपोर्ट करने का कारण पता है क्या है? उसको सपोर्ट करने का कारण यह है कि यूक्रेन को क्योंकि पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा कारण यह है कि आतंकवाद के मामले में यूक्रेन ने हमेशा भारत का विरोध किया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। दूसरी चीज यह भी है कि जब हमने 5 परमाणु बम का परीक्षण किया था उस समय पर यूक्रेन ने सबसे पहले हमारा विरोध किया था और हमको वर्ल्ड कम्युनिटी में बैन करने के लिए प्रस्ताव रखा था, यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया था। और आज वही देश पाकिस्तान के लोगों को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो बेचारी, ये जो कौम है जिसको मैं गद्दार नमक हराम कौम कहता हूँ, इस बेचारे की बड़ी विडंबना है। और ये विडंबना यही है कि जिसको भी अपना खसम बनाने की कोशिश करती है वही इसके पिछवाड़े में लात भी मारता है, तीर भी घुसेड़ देता है और उसको चलता कर देता है। आपने देखा ही होगा किस प्रकार से चीन के प्रति इनके भाव बड़े उमड़ रहे थे। जब भारत में चीन का विरोध हो रहा था, उसकी जो सामान था उसका बहिष्कार हो रहा था, ऐप्स को यहाँ से भगाया जा रहा था, तब भारत में बैठी हुई ये कौम जो थी वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इसका विरोध करके क्या कर लोगे, इससे क्या हो जाएगा, आम जनमानस को सामान नहीं मिलेगा क्योंकि वो सस्ता देता है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीचों बीच से रोड निकाल रहा है जिससे कि ये लगे कि यह पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र है और उसी पाकिस्तान के अंदर इनकी कौम का क्या हशर होता है पता है ना आपको, उइगर मुसलमानों के साथ में क्या होता है, जो सामान्य मुस्लिम है उनके साथ में क्या होता है। लेकिन भारत का जो मुस्लिम समाज है वो मुंह पर जोरदार टेप चिपका करके बैठ जाता है। ये कल तक यूक्रेन यूक्रेन कर रहे थे, वो सुअर की चर्बी में भिगो भिगो करके गोली मारेगा, अब क्या होगा, करेंगे यूक्रेन यूक्रेन ही लेकिन मुंह पर टेप चिपका लेंगे, उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। वही यूक्रेन जो इन लोगों को निकालने से पहले भी इनसे हजार सवाल करता है, वो यूक्रेन जो पाकिस्तान के लोगों को नहीं भेज पा रहा है, वो पाकिस्तान अपना काम निकालने के लिए भारत का झंडा तो कंधे पर उठा लेंगे लेकिन गालियां हिंदुओं को देंगे, गालियां हमारी सेना को देंगे और मिलिटेंट्स लगाएंगे हम लोगों पर हमला करने के लिए ही। इस वजह से ये कोई केवल गद्दारी कोई भारतवर्ष की कौम में नहीं है, क्योंकि किताब एक है सबकी,
क्योंकि मान्यता सबकी एक है, क्योंकि आइडियोलॉजी सबकी एक है, इसलिए गद्दारी जहां रहेंगे वहीं करेंगे, हमेशा करेंगे। हम लोगों से दुश्मनी इनकी किताबों में है। भले ही यूक्रेन इनका कुछ भी कर ले, भले ही चीन इनका कुछ भी कर ले, और भले ही सऊदी में हिजाब बैन हो जाए, सिनेमा हॉल्स वहाँ पर खुल जाएं, भले ही शराब की पाबंदियाँ वहाँ से हट जाएं, भले ही वो लोग इनको अल हिंदी मिस्कीन कहने लग जाएं, लेकिन तब तक विरोध नहीं करेंगे जब तक वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट ना करने लग जाएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब्दुलों के विषय में आप हमें ज़रूर बताएं, इस अब्दुल के विषय में बताएं जो भारत को गाली और यूक्रेन को प्यार दे रहा है, और यूक्रेन के उसके प्यार के बदले जो रिटर्न गिफ्ट दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें वो कारतूस को सुअरों की चर्बी में भिगो रहा है, उस पर भी हमें अवश्य बताएं। और इन बेचारों के पिछवाड़े पर बार बार ये जो बेवफाई का लात लगता है, उसके विषय में भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।